हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 9 और देखिए कितनी ज़्यादा सनलाइट आ रही है विंडो से अंदर, क्योंकि मैंने आज यहाँ से कर्टन हटा दिए धोने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले तो हस्बैंड ने कहा कि रोटी बना दियो, मैं चूहों को रोटी डाल कर आऊँगा, और वो रोटी वो ले जाना भूल गए। फिर ये मैं बेटे का लंच दोबारा से कैस्ट्रॉल में डाल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल वो तैयार हो गया था जाने के लिए। मैंने उसका लंच वंच सब पैक कर दिया था, उसे कॉलेज जाना था। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके फ़ोन में मैसेज आता है कॉलेज बंद है, क्योंकि वहाँ पे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं रामलीला मैदान पे, आई थिंक उसे रामलीला ग्राउंड कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से ना उसका कॉलेज बंद हो गया और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जब हम खाना वाना बना देते हैं ना, और जब कोई लेकर नहीं जाता ना, फिर गुस्सा आती है, लेकिन इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। तो उसके बाद मैंने खाना सब वापस रखा, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन क्लीन करने के बाद फिर जाती हूँ मैं बाथरूम में, क्योंकि सुबह सुबह का काम ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब हम अकेले ही करने वाले हों तो। अब ये और आगे मेरा काम बढ़ाने के लिए तो ये कह रहा है कि मम्मी मेरे लिए ना ऑरेंज और अनार का जूस बना दो, और मैं उसको मना कर रही हूँ कि नहीं तो ऐसे ही खा ले, तो बस वो मान नहीं रहा है, कह रहा नहीं मैं जूस बनाकर पीऊँगा। इसी बारे में बस ये मेरे से बहस कर रहा है सुबह। और पता है बच्चों को खुद कुछ नहीं करना है, सब मम्मियों को करके देना है। अब देखो ये मेरे से बोल, मैंने कहा ऑरेंज का जूस नहीं बनता, मौसमी का जूस बनता है। तो आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है ना कि वो फ़ोन लेके निकाल के दिखा रहा, कह रहा अच्छा ऑरेंज का जूस नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इससे कह रही हूँ अच्छा तू बना ले जाकर, मेरे से नहीं बनेगा, मैं काम में बिजी हूँ। तो बस इसी बारे में बस ये मेरे से बार 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 बोल रहा है, और मैं इससे कह रही हूँ कि अच्छा तू ऐसे ही खा लेना, ऐसे खाने में क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको दे रही हूँ तो, लेकिन इसने खाया नहीं। ये बच्चे ना ऐसे दिमाग ख़राब करते हैं, मतलब कि हम क्या है भारतीय सताई हुई नारी, ना बच्चे सुनते हैं ना हस्बैंड सुनते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े धोने के लिए बाथरूम में। तो कपड़े काफ़ी सारे 2-3 दिन के कलेक्ट हो रहे थे, और कपड़े ना रोज़ बच्चे सब निकाल देते ना, तो एवरीडे के कपड़े इतने सारे कलेक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कपड़े करके मैं फिर नहा के अपने आ गई हूँ यहाँ पर, दोपहर का 1 बज गया है आई थिंक, सारा काम निपटाते निपटाते मुझे, और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो बेटी को खाने हैं छोले चावल, तो बस मैंने वो छोले उबालने के लिए रखूँगी, और साथ में मैं चावल भिगा दूँगी, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और इन छोलों को ना करीब 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन नहीं तो 24 घंटे तो हो ही गए हैं, एक रात एक दिन, क्योंकि जिस दिन मैं बनाने जा रही थी उसी दिन इसके पापा छोले कचौड़ी लेकर आ गए, और फिर मैंने ये नहीं बनाया, ये रख दिए। तो मैं इसे अब अगले दिन बना रही हूँ, 24 घंटे के बाद, मतलब एक दिन बाद बना रही हूँ ये, वरना क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक रखे रहते हैं ना ऐसे पानी में तो इसमें स्मेल हो जाती है। तो मैंने इन्हें अच्छे से धोकर 2-3 बार अच्छे से धोकर, और फिर साथ में मैंने क्या करा कि चावल भी भिगो दिए। तो काफ़ी दिन से छोले चावल वगैरह मैंने बनाए भी नहीं थे, तो बस इन्हें मैं उबाल दूँगी, इसमें मैं नमक और सोडा डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी, और इन्हें अच्छे से 3-4 सीटी लगाकर मैं उबाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं जब तक क्या करूँगी, जब तक मैं ना ग्रेवी की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर छोले तो हो चुके हैं, अब मैं भगोना रख देती हूँ गैस पे, क्योंकि ये थोड़ा सा गीला है तो इसको स्लो फ्लेम पे मैं रख दूँगी, तो ये हो जाएगा मतलब सूख जाएगा। और मैं यहाँ पर ग्रेवी के लिए टमाटर काट लेती हूँ। तो आजकल मैं मतलब कि मेरी बेटी, मैं तो नहीं, मेरी बेटी नहीं खा रही है प्याज लहसुन वगैरह नहीं खा रही है अभी, तो इसलिए मैं सिर्फ टमाटर डाल के बनाऊँगी। और तो इसी वजह से थोड़े से छोले भिगोए थे, मुझे वैसे भी इतने पसंद नहीं है, और इसमें अनियन गार्लिक नहीं होगा तो फिर मुझे अच्छे नहीं लगते, अगर अनियन गार्लिक ना डालो ना तो फिर अच्छे नहीं लगते। इससे अच्छा तो मैं इसमें टमाटर भी नहीं डालती, मेरे को अभी याद आया टमाटर भी नहीं डालती, सिर्फ ऐसे ही अमचूर वगैरह डाल के बना दो ना तो वो भी अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर काट लूँगी और उसके बाद ग्रेवी बना लूँगी टमाटर की, और फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं बस चावल वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ मैंने इस तरह जो छोटे से जार में मैंने यहाँ पे चिली पेस्ट रखा है, क्योंकि मैं जैसे चिली, छोटे बच्चे हैं ना, बच्चे के मुंह में चिली का वाइट आता है ना हरी मिर्च का, तो फिर बच्चे ना खाते नहीं है, उनको बहुत तेज मुँह चल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये मही एक डेढ़ महीने के लिए ना मैं ये चिली पेस्ट बना के रख लेती हूँ, अगर मुझे सब्ज़ी वगैरह किसी भी चीज़ में डालना होता है तो बस यहाँ पर मैं पीस रही हूँ अपने टमाटर।
टमाटर पीसने के बाद यहाँ पे भगोना भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अभी पता नहीं मैं कहाँ चली गई। चलो फाइनली मैं आ गई और ये टमाटर वगैरह मैंने पीस लिए हैं, अब इसमें तेल डाल दूँगी। अच्छा तो यहाँ पर हमारी जो सास होती है या मम्मी होती है ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि सिर ढक के खाना बनाना चाहिए, तो जब मेरे को याद रहता है तो तब तो मैं सिर ढक लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। कभी कभी जब याद होता है ना तो फॉलो कर लेती हूँ जैसे वो लोग बताते हैं। अब क्यों बताते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सिर ढक के खाना बनाना चाहिए, और इसका भी कोई शायद कोई ना कोई रीज़न होगा। तो बस जब याद आता है तो फॉलो कर लेती हूँ, जब याद नहीं आता है तो कुछ भी नहीं करती, तो फिर ऐसे ही जैसे होती है वैसे खाना बना लेती हूँ। बस यहाँ पे जीरा गरम हो जाएगा, मैं चली गई खिड़की पर खड़ी होने के लिए। तो मेरी किचन की खिड़की गली में खुलती है, तो इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट है। अगर किचन में खाना बनाते बनाते बोर हो रहे हैं ना, तो खिड़की खोल के बाहर झाँकने लग जाओ, बाहर के नज़ारे देख लो कि आसपास में क्या हो रहा है। और बस जब तक जीरा तड़क रहा है बस मैं यहीं पे चक्कर मार रही हूँ। और यहाँ पे किचन होने का ना एक और फ़ायदा है, अगर अभी पता नहीं क्या हमारे यहाँ ना लाइट काफ़ी जा रही है, वैसे नहीं जाती है लेकिन कुछ ना वायर वगैरह चेंज हो रहे हैं तो लाइट काफ़ी जाती है। तो अगर लाइट कितनी भी चली जाए मेरे किचन में ना फुल रोशनी रहती है, और गर्मी के टाइम में तो जैसे सूरज देवता बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं ना, तो गर्मी के टाइम में दोपहर में तो ना मुझे कर्टन डालना ही पड़ता है, इतनी तेज़ धूप होती है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे, सुबह से लेके शाम तक दिन छिपने तक अच्छी खासी रोशनी रहती है, तो मेरा काम ना बीच में रुकता नहीं है किचन का खास करके। बाकी तो पूरे घर में ही थोड़ी थोड़ी रोशनी रहती है, तो लेकिन किचन में तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसको मैं डाल रही हूँ, और मैं आपको बताती हूँ मैं ना लेफ्टी हूँ, तो मेरे को राइट हैंड से काम करने में ना प्रॉब्लम होती है, तो मैं लेफ्ट हैंड से ही ज़्यादा काम करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने ये निकाल लिया, और सिंपल से मैं मसाले डालूँगी, हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर, बस सिंपल सही करके बना दूँगी। तो बस यहाँ पे ये हमारा जो टमाटर का मसाला था ये भुन चुका है, और उधर हमारे चने भी बॉयल हो गए हैं। और आज देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी रोशनी आ रही है यहाँ पे ना, मतलब करीब 1 या 2 बजे का टाइम है, आप रोशनी से पता लगा सकते हैं बिल्कुल दोपहर ही हो रही है, दोपहर वाला टाइम है। तो बस यहाँ पे जब ये थोड़ा सा तेल अलग हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें छोले डाल दूँगी, और उसी के साथ मैं चावल बना लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने छोले डाल दिए, साथ में पानी भी डाल दिया, इनको 1-2 बाल आने तक फिर मैं इनको पका लूँगी, और उसके बाद फिर मैं चावल बनाऊँगी। तो चावल मैंने सूट नहीं किया, और तो फ्रेंड्स यहाँ पर चावल भी बनकर तैयार हैं, और मैं निकाल रही हूँ भगवान जी के लिए खाना। तो मेरे यहाँ पे मैं यही करती हूँ, मैं सुबह से हम जो भी खाना बनाती हैं तो पहले मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ, उसी के बाद मैं खाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ भगवान जी को खाना देने के लिए, मतलब भोग लगाने के लिए। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ, और ये है मेरी आज की थाली, और ये पराठा सुबह का है जो मैंने लंच में पैक करा था, और सुबह ही मैंने ये बनाई थी आलू प्याज की सब्ज़ी, तो बेटी को नहीं खानी थी तो उसके लिए फिर मैंने छोले चावल बनाए थे। तो अब यहाँ पर हो गई है फ्रेंड्स शाम के करीब 4 या 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पर हो रही थी कुछ 10 से 15 दिन की मलाई इकट्ठी, तो बस मैं वही घी बना रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि शाम को थोड़ा सा काम ख़त्म करके फिर मैं घी बनाऊँगी। साथ ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने पीने के लिए थोड़ा सा पानी गरम, तो पानी गरम हो गया है और मैं पी लूँगी, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। तो सब्ज़ी भी देखती हूँ मैं क्या सब्ज़ी बनाती हूँ जो कि सारे बच्चे खा लें। तो पहले मैं बस पानी पीने के बाद थोड़ा सा मतलब कि बैठती हूँ बच्चों के साथ पानी पीते पीते ही, और उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं बच्चों से बात, और साथ ही मैं बीच बीच में क्या है इस घी को चला रही हूँ, वरना ये नीचे से जल जाएगा। तो पता नहीं बच्चे मेरे से किस बारे में क्या बात कर रहे हैं, मेरे को अभी याद नहीं है। तो बस उनके साथ थोड़ी देर बैठती हूँ, और उसके बाद घी भी बन जाएगा तो इस घी को छान लूँगी अच्छी तरह से, और करीब 15 से 20 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी मेरी घी की।
तो यहाँ पे देखिए इसमें छोटे छोटे से बबल्स आने लग गए हैं, और इसको मैं लो फ्लेम पे ही कर रही हूँ क्योंकि एक बार गलती से फ्लेम हाई रह गई थी और मेरा सारा घी जल गया था, तो इसको मैं लो फ्लेम पे ही पका रही हूँ। तो यहाँ पता नहीं क्या बात हो रही है दोनों भाई बहनों में, और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। तो बस मैं इनको सुन रही हूँ और मैं इसको बोल रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रहा है, तो मैं इसको डांट रही हूँ कि अपनी दीदी के साथ खेल रहा है, उसको फोर्स कर रहा है कि मुझे अपनी गोदी में ही बिठा, मैं इधर उधर नहीं बैठूँगा। तो बस मैं इसको बोल रही हूँ कि तू पागल है, तू इतना बड़ा हो गया तो इधर बैठ जा चेयर पे, लेकिन नहीं सुन नहीं रहा है, कह रहा नहीं मैं दीदी की गोदी में ही बैठूँगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने पानी पी लिया है और उसके बाद मैं वापस से किचन में जाती हूँ और एक बार घी चेक कर लेती हूँ, साथ ही मैं करती हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो घी ऑलमोस्ट हो ही गया है, इसे थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, तो आज मैं बनाऊँगी हरे चने की निमोना। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत सिंपल रेसिपी होती है इसकी, और ना ही इसमें इतने ज़्यादा मसाले वगैरह पड़ते हैं, जितनी सिंपल होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ मैंने घर के दही से मट्ठा ब्लो लिया है, तो दही मैं घर में ही जमाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बाहर का दही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो दही मैं घर में ही जमाती हूँ। और ये मैंने उबाल लिए थे, उबालने के बाद इनको दही डालकर, ये थोड़ा सा पानी डालकर मैं इनको दरदरा पीस लूँगी। और ये अगर हमारे पास सिलपट्टा है ना तो ये बहुत अच्छे से पीसते हैं उस पर, लेकिन अभी ये सिलपट्टा तो नहीं है, मैं इसी में इसको दरदरा पीसूँगी और बस फिर इसकी सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि मौसम है अभी हरे चने बहुत आ रहे हैं, तो इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और यूपी एमपी में तो मतलब कि ये बहुत फेमस सब्ज़ी है। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, और मैंने आलू भी उबाल रखे हैं, आलू मैंने पहले ही उबाल लिए थे, तो आलू मैं थोड़ा स्टॉक में उबाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें आलू, हल्दी, नमक, मिर्च डालकर और साथ में पानी डालकर उबालने रख दिया है, मैं हाई फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। और जब इसमें पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो मैंने जो मिक्सी में दही और चने पीसे थे उसमें ये मट्ठा जो रखा है ये भी सारा ऐड करके, मैंने ये सारी वीडियो शूट करी थी लेकिन है ना मतलब मैं वो स्विच ऑन करने भूल गई कैमरे का, तो मेरी वीडियो बीच में ना स्किप हो गई, मैं इसकी रेसिपी दोबारा से डालूंगी तो आप लोग ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ये, और डालने के बाद ना इसको हमें मतलब डालते डालते इसे हमें बहुत अच्छे से चलाना है। और सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, मतलब मैं भूल गई, मैंने इसमें हल्दी और मिर्च डाली थी, नमक मैंने अब तक नहीं डाला है क्योंकि नमक डालने से मट्ठा या दही फट जाता है, इसी वजह से हमें इसे चलाते रहना है। देखिए मैं आपको खाली बर्तन दिखा रही हूँ, मैं आपको वीडियो दिखाना तो भूल गई, मतलब शूट करना भूल गई, मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें दही वगैरह सब डाला हुआ है, मट्ठा वगैरह, और इसको नॉन स्टॉप चलाते रहना है, इसको अभी हाई फ्लेम पर ही रखना है। हाई फ्लेम पर रखने के बाद जब तक इसे इसमें ना हमें बीच बीच में एक दो बार हमें रोक के देखना है कि उबाल आ गया या नहीं, अगर उबाल नहीं आया है तो हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो अभी मेरे को नीचे से गेट खोलने के लिए आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं अभी इसे छोड़ कर नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ के गई तो ये फट जाएगा, तो इसे एक बार इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। तो मैंने चेक कर लिया, इसमें उबाल नहीं आया है, तो इसको फिर से हम लगातार चलाएंगे और हाई फ्लेम पर ही रखना है हमें इसको। और आलू हमने जो इसमें फोड़ कर डाले हैं ना, तो आलू में थोड़े मोटे मोटे फोड़ने हैं वरना वो इसमें सारे मेल्ट ही हो जाते हैं, तो इसलिए हमें आलू मोटे मोटे फोड़ने हैं। और वो इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, और अब मैं क्या करूँगी, मैंने फ्लेम लो कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर सब्जी और घी दोनों बनकर तैयार है, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।